अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे अपने नए लेक्चर के अंदर यूज़ ऑफ हैज़ टू। हम देखेंगे कि हैज़ टू का इस्तेमाल क्या है। ठीक है, तो करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट। तो देखें, टू एक्सप्रेस नेसेसिटी इन द प्रेजेंट, प्रेजेंट के अंदर ज़रूरत को जो है ना वो शो करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इससे पहले हमने हैव टू का इस्तेमाल किया था, वो भी जो है वो प्रेजेंट के अंदर नेसेसिटी को ही शो करने के लिए इस्तेमाल करते थे। उसमें और इसमें फ़र्क, काम सेम है, लेकिन उसका इस्तेमाल जो है वो कुछ सब्जेक्ट्स के साथ करते थे। हमें पता, आई, वी, यू, दे और प्लूरल जो है वो सब्जेक्ट होता था। ठीक है, तो इसके अंदर जो है ना वो यूज़ करेंगे हम ही के साथ, शी के साथ, इट एंड सिंगुलर नाउन के साथ। ओके, सिंगुलर नाउन मतलब कोई वाहन नेम के साथ। ठीक है, तो देखते हैं उर्दू के अंदर हमने देखा था कि क्या इसकी पहचान होती है। उर्दू जुमलों के आखिर में ना है, नी है, ने है, और पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं वगैरह वगैरह आता है। ठीक है, तो ये भी देख लिया, ही, शी, इट एंड सिंगुलर नेम नाउन के साथ, सिंगुलर नेम के साथ यूज़ करते हैं। तो काम सेम है, सिर्फ हल्का सा हम इसको देखेंगे एग्जांपल के साथ। सब्जेक्ट, देन हैज़ टू, और देन हम प्लस करेंगे फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट को। ठीक है, तो हैज़ टू मतलब देखें, उसे लाहौर जाना है, ये जुमला है जी, मैंने स्कूल जाना था, ऐसे ऐसे करके, लेकिन वो उसमें आई आई था, आई हैव टू। ठीक है, तो लेकिन इसमें हमने सब्जेक्ट ये वाले यूज़ करने हैं, ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन। ठीक है, तो इसमें हम अब ये मैन यूज़ करेंगे, उसने लाहौर जाना है, उसने स्कूल जाना है, इस तरह करके सेंटेंसेस होंगे। तो चलते हैं आज का ये सेंटेंस, उसने लाहौर जाना है, उसे लाहौर वापस, अच्छा इससे, इसने उसने लाहौर वापस जाना है, उसे लाहौर वापस जाना पड़ता है, मतलब ये जुमला कब बोलेंगे। हो सकता है कि उसे हफ्ते बाद या शाम को, रोज़, किसी मजबूरी के तहत या किसी ज़रूरत के तहत उसे लाहौर वापस जाना पड़ता है। ठीक है, कोई मसला हो सकता है या कोई ज़रूरत, तो इस तरह इस सेंटेंस को यूज़ करेंगे। अब देखें इसकी इंग्लिश, उसने पहले सब्जेक्ट ही या शी यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, अगर लड़का है तो ही, लड़की है तो शी। ही हैज़ टू गो बैक टू लाहौर। ठीक है, ये देखें ज़रा वाजे करके, ही हैज़ टू गो बैक टू लाहौर, ही हैज़ टू गो, उसे जाना है बैक टू लाहौर, वापस लाहौर जाना है। ठीक है, तो इस तरह करके ये सेंटेंस है, बिल्कुल ईजी है, नो प्रॉब्लम। आसिम को इस मुकाबले में हिस्सा लेना है, या आसिम को इस मुकाबले में हिस्सा लेना पड़ता है। ओके, तो इसका आसिम हैज़ टू पार्टिसिपेट, आसिम हैज़ टू पार्टिसिपेट इन दिस कॉम्पिटिशन। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं, उसे कपड़े सिलाई करने हैं, उसे कपड़े सिलाई करने पड़ते हैं। शी हैज़ टू सी दी क्लॉथेस, शी हैज़ टू सी दी क्लॉथेस। ओके, शी हैज़ टू सी, ये वर्ब, मेन वर्ब है आपके पास, सी दी क्लॉथेस। ओके डियर्स, अब नेक्स्ट चलते हैं हम अपने नेगेटिव सेंटेंसेस की जानिब। तो देखें, इसमें बहुत ये अहम है यहाँ से, क्योंकि इसमें हमने थोड़ी सी चेंजिंग करनी है। डियर्स देखें ज़रा नेगेटिव सेंटेंसेस। ओके, तो देखें, सब्जेक्ट प्लस डस नॉट यूज़ करेंगे। ठीक है, और डस नॉट के साथ हमने हैव टू इस्तेमाल करना है, फिर वही फर्स्ट फॉर्म, और देन हमारे पास क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। तो देखें, इसमें आपके जहन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि चलें डज नॉट तो नेगेटिव सेंटेंसेज है, यूज़ कर लेंगे, क्योंकि इधर ही, शी, इट या वाहर नेम होगा, सिंगुलर नेम होगा, तो डज नॉट ही यूज़ करेंगे, डू नॉट नहीं यूज़ करेंगे। ओके, जैसे हमने पहले में हैव के साथ, हैव टू के साथ डू नॉट यूज़ किया था, लेकिन अब इसमें सब्जेक्ट जो सिंगुलर है तो फिर डज नॉट यूज़ करेंगे। ओके, और क्वेश्चन ये होगा मेन कि हैव टू क्यों यूज़ करना है, हमने तो हैज़ टू का इस्तेमाल देख रहे हैं अभी, हैज़ टू का यूज़ देख रहे हैं, तो अब हम हैज़ टू यूज़ करना चाहिए, लेकिन हमने इस दर हैव टू क्यों यूज़ करना है। तो ये डियर्स, ये एक्सप्लेनेशन जो है ना आपको नेक्स्ट वीडियोस के अंदर जो है वो दी जाएगी, तो आपने परेशान नहीं होना। ये जब हम
प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस करेंगे तो देन हम इसको अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो जस्ट आपने ये यूज देखना है कि जब आपने सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो डस नॉट यूज़ करना है, और डस नॉट के साथ हैज़ नहीं लगेगा। देखे ना, वैसे सब्जेक्ट ही शी इट हो तो तब तो आपको पता है कि हैज़ ही लगता है, ठीक है। लेकिन ये नेगेटिव सेंटेंस आ गया, इसमें डज आ चुका है, ठीक है, डज नॉट आ गया, इस वजह से ये अब हैज़ नहीं यूज़ कर सकते हम, अब हैव टू यूज़ करना है, ठीक है। बाकी इसके अलावा मज़ीद जो एक्सप्लेनेशन है वो नेक्स्ट वीडियोस के अंदर आपको जब प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस समझाएंगे तब हम इसको डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। तो जस्ट आपने इतना याद रखना है कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो, ही शी इट हो, और यहाँ डज नॉट लगेगा तो हमने हैज़ नहीं लगाना, हैव टू लगाना है, ओके। चलिए चलते हैं सेंटेंसेस की जाने। उसने होमवर्क नहीं करना है, उसे होमवर्क नहीं लिखना पड़ता, नहीं लिखना है या नहीं लिख करना पड़ता, ठीक है। उसे होमवर्क नहीं लिखना नहीं करना है, नहीं लिखना है, ऐसे भी हो सकता है। तो उसे होमवर्क नहीं लिखना पड़ता है, शी ही कर लें या शी कर लें, जो भी है आपके पास सब्जेक्ट नाउन। तो ही डस नॉट डजंट ही डस नॉट have to write homework, ठीक है। He does not have to write homework। आगे चलते हैं, एहसान ने इस कॉलेज में दाखिला नहीं लेना है, या उसे एहसान को दाखिला इसमें नहीं लेना पड़ता है, ऐसे कर सकते हैं। एहसान ने उस कॉलेज में दाखिला नहीं लेना है, तो इसको कैसे करेंगे जी, एहसान does not have, एहसान does not have टू टेक एडमिशन इन दिस कॉलेज, ओके। इसमें वो टू मिस हो गया है यहाँ से, तो आपने इसको देख लेना है, एहसान डज नॉट हैव टू टेक एडमिशन इन दिस कॉलेज, ओके डियर्स, ओके। ईजी है, हमने पहले डिस्कस कर चुका है सेंटेंस कैसे बनाए हैं, एहसान, उसके बाद डज नॉट हैव टू, उसके बाद वर्ब टेक एडमिशन इन दिस कॉलेज, इस तरह करके, ओके। नेक्स्ट चलते हैं, उसे आज खरीदो फरोख्त के लिए नहीं जाना है या नहीं जाना पड़ता है, नहीं जाना है, तो उसे ही डज नॉट हैव टू गो फॉर शॉपिंग दिस टुडे, दिस डे टुडे, ओके। उसे आज ही डजंट हैव टू गो फॉर शॉपिंग टुडे, तो बिल्कुल इजी सेंटेंसेज हैं डियर्स, परेशान नहीं होना। अब हम देखेंगे नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे, तो वही है, डज यूज़ करेंगे ना इसमें सब, इसमें तो फिर डज को स्टार्ट पे लेंगे, बाकी सेंटेंस वैसे का वैसे, डज ओके सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। क्या उसने क्रिकेट खेलना है, खेलनी है, खेलना है, जैसे आपको सही मतलब आप कहते हैं कि ऐसे सही है तो ऐसे कर लें। क्या उसने क्रिकेट खेलना है, डज ही हैव टू प्ले क्रिकेट, डज does he have to play cricket, ओके। क्वेश्चन मार्क ज़रूर आएगा, क्या अहमद ने अपनी क्लास लेनी है, ओके। तो देखें, does Ahmed have to attend his class, ओके। क्या असलम ने अपना बिजनेस शुरू करना है, क्वेश्चन मार्क ज़रूर, does Aslam have to start his own business, Does Aslam have to start his own business? अच्छा, इसमें असलम का कैपिटल ए लिखा है, जो भी हम कोई भी नाम लिखते हैं ना वो आपके पास प्रॉपर नाउन होता है, तो उसको आपने कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना होता है। अगर कोई टू वर्ड्स भी आ जाते हैं ना इकट्ठे, जैसे कायदे आज़म, तो कायदे का क्या कैपिटल लेटर लिखते हैं और आज़म का ए भी जो है वो कैपिटल लिखेंगे, अलामा इकबाल, अलामा इकबाल ए जो है उसका कैपिटल अलामा का और इकबाल का आई कैपिटल, ठीक है। इस तरह ये ग्रामर है हल्की सी, मैंने कहा चलें इसको बता देते हैं साथ। कैपिटल जो स्टार्ट लेटर होगा, स्टार्टिंग लेटर जो है वो भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, और अगर सेंटर में कहीं भी कोई प्रॉपर नाउन आ जाता है तो वो भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं जी, नेक्स्ट बिल्कुल और सिंपल सा हमारा छोटा सा आज का लेक्चर था। तो डियर्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ आई होगी। आपने इस इनको नोट्स में लिखना है, ठीक है, नोट्स बनाने हैं लास्ट में, और इसको बार बार देखना है, समझना है, पढ़ना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है आपने। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको आज के लेक्चर के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
इसके टाइटल में जो आपके पास इस वीडियो का टाइटल होगा, वहाँ आपको कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो अवेलेबल है, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट नंबर लेके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आज का लेक्चर अच्छे से आपने इंजॉय किया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो है वो हमारा रह चुका है जी हेड टू, तो उसको हम जो है वो अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। तो डियर स्टूडेंट्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।